जी आपने देखा था कि हमारे लिए टर्निंग हॉल था कि हमारा सेकंड फ्लोर पे हमारे इस तरह से हमारे कैंडिडेट्स पढ़ते हैं और हम ले चलते हैं आपको गर्ल्स हॉस्टल की तरफ। ये हमारा बॉयज़ हॉस्टल था, बर्फ से बॉयज़ हॉस्टल साइनस लगा वो ऊपर बॉयज़ हॉस्टल था, ये हमारा जो एरिया है बॉयज़ हॉस्टल था। हम चलते हैं आपको बॉयज़ गर्ल्स हॉस्टल की तरफ लेकर के। थर्ड फ्लोर स्टार्ट नाउ, तीसरा फ्लोर स्टार्ट हो रहा है, जो देख सकते हैं आप यहाँ से इस तरह से ये हमारा पूरा एरिया गर्ल्स हॉस्टल है। ये मैम बैठी हुई है राजकुमारी प्रजापति जी, ये हॉस्टल फीमेल वार्डन है। कैसे हैं मैम? ठीक है। ओके, आप देख सकते हैं साइनेज लगा हुआ है यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल का, ये पूरा एरिया गर्ल्स हॉस्टल का है, एक बार यहाँ दिखा दीजिएगा। हम जी मैम आगे आया, कितने कितने कमरे हैं इस पोर्शन में? सर इसमें तीन कमरे हैं। तीन कमरे हैं, अच्छा। कितने लड़के टोटल हैं? इसमें 40 लड़कियाँ रहती हैं। 40 लड़कियाँ, मतलब इस पोर्शन में 40 लड़कियाँ। इस पोर्शन में 40 लड़कियाँ। ये देख सकते हैं आप यहाँ शुरू करते हैं, यहाँ हमारा ये पावर बैकअप लगा हुआ है, इन्वर्टर लगा हुआ है और हमारा यहाँ पे ये सब्जी रखने के लिए प्रिपरेशन एरिया छोटा सा बोल सकते हैं आप इसको। सेकेंड में देख सकते हैं हमारा रूम फाइल हुई है और ये 344 एरिया स्क्वायर फीट का है। आज यहाँ दिखा रही है टोटल कितने बेड हैं इसमें? इसमें 13 बेड हैं सर। टोटल 13 बेड हैं इसमें, दो पंखे हैं और दो चार पंखे तो लाइट और 13 बेड हैं, मतलब 13 लड़कियाँ यहाँ पे रहती हैं जी। आए मैम आगे आएंगे। ये दूसरा रूम है जी, हाँ, ये रूम नंबर 3 इसमें लिखा हुआ है और ज़रा दिखाइए 354 स्क्वायर फीट का हमारा ये एरिया है इसमें जी। कौन क्या हो गया इसको जी? तो इसमें हमने देख रहा हूँ कि 3 फैन हैं और लाइट्स वगैरह हैं, है ना? और कितने बेड इसमें हैं? इसमें 12 बेड हैं। 12 लड़कियाँ अवेलेबल हैं जी, हाँ। और ये सब क्या चीज़ें हैं, मतलब बच्चों का लॉजिंग वगैरह है? तो मैनेज कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती आपको बच्चों को मैनेज करने में? जी कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे लड़कियाँ हैं और आप एक फीमेल हैं तो दिक्कत नहीं होती? जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ऐसे उनको मैनेज करने में खाना पीना हो गया, डेली टाइम से उठाना, टाइम से बैठाना, उनको सुलाना, टाइम से, ऐसा कोई समस्या तो नहीं होती ना? जी नहीं, कोई समस्या नहीं होती। पानी के लिए क्या रखी है आप? ये पानी के लिए सर एक वो है, अच्छा पानी कूल करने के लिए। अच्छा, पानी पर्याप्त हो जाता है बच्चों के लिए? जी। आपका है एक नंबर कमरा है, एक नंबर। ओके, हम अभी हैं रूम नंबर 1 में, आप दिखा दीजिए रूम नंबर 1 है, इसका कितना एरिया टोटल है? 309। टोटल एरिया है 309 स्क्वायर फीट का। और मैम इसमें कितने बेड हैं? इसमें 12 बेड हैं। अच्छा, इसमें 12 बेड हैं। और लाइट फैन कितने हैं सर? पंखा हम देख रहे हैं 1 है, 2 है, 2 फैन चल रहे हैं और 3 लाइट्स। जी हाँ। गर्मी का मौसम है, गर्मी तो नहीं लगती यहाँ पे? नहीं, गर्मी नहीं लगती है, बाहर खिड़की खुली हुई है जी, उधर से खिड़की से हवा आती है, इधर फैन चल रहे हैं। अच्छा, लड़कियाँ बाहर तो नहीं आती इधर से? जी नहीं, वो तो बैक है वहाँ पे। अच्छा, वॉशरूम इधर होगा जी? हाँ। पर्याप्त हो जाता है वॉशरूम बच्चों के लिए? जी हाँ। साफ सफाई कैसे करवाती हैं यहाँ की? साफ सफाई करवाते हैं सर, जो आठवां रोज पोछा करने वाले आते हैं। अच्छा, आइए इस रूम में वो लेते हैं, ये रूम दिख रहा है हमको, कोई है तो नहीं अंदर? कौन है?